हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU BA LLB इन 8 months, दैट टू फ्रॉम जीरो। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सॉरी फॉर द वर्ब, येस यू कैन प्रिपेयर इन 8 months, बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। आई वोंट से द पैटर्न हैज चेंज, बट द सिलेबस एंड द लेवल ऑफ एग्जाम हैज चेंज। लेवल ऑफ एग्जाम बहुत बदल गया है, तो वो मैंने डिस्कस करा है सिलेबस वीडियो में भी। आज भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो येस, सिलेबस, लेवल ऑफ एग्जाम, टॉपिक्स कौन से कवर करने हैं, कौन सी बुक्स में से कवर करने हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम टेबल भी आपका इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। एंड ऑल्सो अगर कोई भी डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर @IAMLOGRI के नाम से हूँ। कॉमेंट्स में ज़रूर कॉमेंट करें, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि रिप्लाई करूँ, नहीं तो उनको पढ़ूँ ज़रूर, सो दैट मैं उस पर वीडियो कर सकूँ जो इशूज़ हैं उनके ऊपर। एंड आप हमारी ईमेल लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें फॉर मोर अपडेट्स की कोई भी वीडियो है, कभी यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता, और हम क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं तो मिस आउट होने के भी चांसेस रहते हैं, तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हो देन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके जाना कि वीडियो अच्छा लगा, कंटिन्यू रखो, एंड अगर कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स जो हैं, अलीगढ़ वाले में 120 सीट्स हैं कैंपस में, मालापुरम में 60, मुर्शिदाबाद में 60 सीट्स हैं। आपको 50% चाहिए रहेंगे 12th में, एंड इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स 2025 में, आप एग्जाम दे रहे हो 25 में बोर्ड एग्जाम से, बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर एज लिमिट भी है, नॉर्मली बी एल एल बी के कोर्सेज में या 3 ईयर्स एल एल बी के कोर्सेज में नहीं होती है एज लिमिट, बट यहाँ पर है नॉट मोर देन 22 ईयर्स ऑन 1st जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश 40 मार्क्स, करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज 40 मार्क्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड 20 मार्क्स। अब यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, सिलॉजिज्म, इंसर्टिंग मिसिंग नंबर, डिक्शनरी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं ये क्लियर आउट कर दूंगी, एंड आई एम गोइंग टू पुट कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, ठीक है। ये आपको, इसके लिए आप जो है अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की बुक, प्लीज़ जो पर्टिकुलर बुक आती है अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की, वो आपको खरीदनी रहेगी। AMU की बुक्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी करी हुई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको जानना है कौन सी बुक, मतलब अगर बुक की शक्ल देखनी है। अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, यू हैव टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। एनोलॉजी और ऑड वन आउट थोड़े लेंदी है, 1st डे से 10 ईच सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, सो दैट टिल द डेट ऑफ द एग्जाम आप 2-3 बार एनोलॉजी ऑड वन आउट कर लो। यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ऑल ऑफ द एक्सरसाइज, ऑफ द एग्जाम्पल, सब कुछ आपको सॉल्व करना है। आंसर बुक में नहीं मार्क करना है, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे वो बुक में ही नोट कर लेना, सो दैट रिविजन हो जाए। जो भी रॉन्ग क्वेश्चन, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्लीज़ उसको मार्क कर लेना, सो दैट रिविजन के टाइम पे आप ये सॉल्व करके जाएं तो आपको लगे कि हाँ सब सही है। मैथ्स के अंदर 1 to 8 क्वेश्चंस आते हैं, नंबर्स, डे, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीच, स्टैटिस्टिक्स। इसके लिए आपको 30 डेज वंडर बाय एस्टन लेनी पड़ेगी, एंड डे टू डे बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, यहाँ से आप अपना प्रिपरेशन बहुत आराम से कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको साइनोनिम, एंटोनिम है, ईडियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जो मैंने अभी हाईलाइट करे हैं, इसकी आपको सबकी लिस्ट याद करनी होगी। डे वन से ही 5 to 10 वर्ड्स ईच ऑफ सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईच ऑफ ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड स्पेलिंग याद करने लग जाइए। इसके लिए आप SP बख्शी की बुक ले सकते हैं, नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, ढिलो पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप वो बुक में इन्वेस्ट करके पढ़ना चालू कर दीजिए। उसके बाद जब आप ये लिस्ट, तो हर रोज ही होंगी, कोई भी सब्जेक्ट चल रहा है 30 मिनट्स आपको इसको देने होंगे, फिर आप करिए अपना ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर के पोर्शन में एक्टिव, पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, ये करके फिर प्रेपोजिशंस, टेंसेस, सब्जेक्ट टू अब अग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच करके फिर आप स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड की बात करेंगे, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेरी सून आपको इस कोर्स के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेगी, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे वाली मिलने वाली है। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो हैं वो आपको logri.com
com पे PDF मिल जाएंगे, वो डाउनलोड कर लेना। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप यूनिवर्सल्स में से भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं, या फिर ल्यूसेंस में से पढ़ सकते हैं, या कोई भी जो स्टैटिक जीके की बुक ले रहे हैं उसमें से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं आप डायरेक्टली या तो मॉक टेस्ट में सॉल्व करना, या फिर आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप MCQs खरीद सकते हो loggery.in के। यस, यहाँ पर आपको loggery.in के MCQs लगाने हैं, ठीक है। क्लासेस ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है AMU के लिए, MCQs ज़्यादा प्रेफरेबल है फॉर जनरल नॉलेज, फॉर करंट अफेयर्स ऑफ AMU, ठीक है ना। MCQs सॉल्व करने हैं आपको, और जो मॉक टेस्ट आएंगे हमारे वो सॉल्व करके जाने हैं। करंट अफेयर्स के लिए तो आप ये करेंगे, उसके बाद अगर आप क्लासेस लगा सकते हैं रेगुलरली एजुगिरी पर, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। अब उसके बाद बात करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज की। हिस्ट्री सॉरी जो आपकी स्टैटिक जीके है, ये वाले जो टॉपिक हैं बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, तो आपको ल्यूसेंस की बुक खरीदनी है जिसमें से आप थ्योरी करें, और एक बुक खरीदनी है जिसमें से आप MCQs सॉल्व करें। ये अरिहंत की बुक हो सकती है, ल्यूसेंस की, MCQs की बुक हो सकती है। वेरी सून हमारा भी कोर्स आ रहा है स्टैटिक जीके का, उसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे, आप वो भी ले सकते हैं, बट ये वाली बुक्स भी आप रिकमेंड करूंगी। तो अक्टूबर में क्या कवर करना है, अक्टूबर के अंदर यू हैव टू कवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर आपको पूरा थ्योरी, पूरे MCQs, ठीक है, अच्छे से याद भी करना है। आप हमारा कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है, एंड ऑल्सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स भी बनाने, क्योंकि बार बार रिविजन करने से ही होगा। मैंने वैसे दो मंथ्स में डिवाइड करा है, बट एक मंथ में भी हो सकता है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेज, अगर थ्योरी भी कवर कर रहे हो तो थ्योरी, अगर अकेले MCQs तो MCQs भी, अच्छे से याद करके ख़त्म कर देना है ये। जून के MCQs जो हैं, loggery.in का जो वन शॉट वीडियो लेक्चर है वो खरीद लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर कुछ बच जाता है तो यहाँ पे करोगे, नहीं तो ये वाला यहां पर कवर करने लग जाओगे। इंपॉर्टेंट फॉर्स का टेबल मिल जाता है आपको, वो याद कर लेना है। हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत हाई लेवल की है, इसलिए मैंने पूरा आपको ये दिया। मैं वैसे यहां पर बताऊं, ये वाला जो पोर्शन है यहां पर ले जाओ, ये पूरे दोनों मतलब रख लो, मतलब दिसंबर में सिर्फ हिस्ट्री कर लो अच्छे से, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा लेवल भी हाई है। एंड येस, बाय मार्च यू विल बी डन विद द सिलेबस। मार्च के बाद अप्रैल मई के अंदर जितनी मर्जी रिविजन करो, ठीक है। वैसे तो आप इसको बहुत जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हो, मैंने बहुत लेजी वाला टाइम टेबल दिया है। अगर आपका सिलेबस पहले ख़त्म हो जाता है, फरवरी तक आप ख़त्म कर सकते हो, मैंने बहुत लेजी वाला टाइम टेबल दिया है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टडी टेबल पे लगा दो एंड फॉलो करने लग जाओ। AMU आपका क्लियर हो जाएगा, जैसे मैंने बोला है वैसे प्रिपेयर करो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द वे आई एम टेलिंग, जो बुक्स मैंने बोली हैं वो ज़रूरी हैं, एनालाइज करके मैंने आपको पूरा बताया। एंड येस, देयर वॉज अ मेजर शिफ्ट 2024 के एग्जाम में, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब लेवल बढ़ गया है एग्जाम का, एंड उसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हम ये फॉलो करेंगे, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, loggery साइनिंग ऑफ।